हमारे सीमांचल में खास करके जो आपसी सौहार्द हिंदू और मुस्लिम में हम लोग बना करके चल रहे हैं, भाईचारगी बना के चल रहे हैं, इनको तोड़ने का बयान ये लोग दे रहे हैं ताकि हिंदू भाई हमारा इससे उकसित हो, इसको उकसाने का काम कर रहे हैं ताकि ये उकसाया जाए और फिर हम लोग आपसी भाईचारा को हम लोग ख़त्म कर पाएँ। यही उनका मंशा है और कुछ नहीं। और मैंने डरा रहा है यहाँ के मुसलमानों को कि डर कर उनको वोट करे, यही उनका मंशा है। नीरज कुमार सिंह जी अगर ऐसा अगर बयान दिए हैं, बिल्कुल निराधार है, ये सब बयान बेतुका है। और ऐसा हमारे कम से कम ये सीमांचल में कहीं दिखा दे कि एक भी ऐसा कोई बात नहीं हुआ। हमारे सीमांचल बिल्कुल ही भाईचारगी का मिसाल है और भाईचारगी के मिसाल से ही रहेंगे। वो लोग चाहे जितना कहेंगे कि हमारे किशनगंज के प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए, इस बात पर ध्यान देना चाहिए, काहे कि यहाँ अगर त्रिशूल वगैरह का बात अगर बोला गया है कि समय पर मुकाबला किया जाएगा या फिर समय पर ऐसा कोई ज़रूरी पड़े तो इसका उपयोग किया जाएगा, तो इस सब बात पर हमारे यहाँ के किशनगंज के प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और इसमें हमारे स्थानीय नेता लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि इतना बड़ा बात हमारे सीमांचल में आकर के कहने का किसी का हिम्मत कैसे हुआ। रहा सवाल कि अगर मैं पार्टी विशेष पर कोई बात नहीं बोलता हूँ, इसलिए कि उसी बीजेपी पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे, उसके मुंह से कभी भी इस तरह का आवाज़ नहीं निकल रहा था और वो जब तक थे उसके पार्टी में बिल्कुल ही शांति भावना बनाए हुए थे। और उसके बाद अगर ये सब अगर शांति भंग करने का अगर कोई बयान हो रहा है तो ये बिल्कुल निराधार है। और इस पर हम नहीं समझ रहे हैं कि जो बहुत बुद्धिमानी बात वो लोग कर रहे हैं। नेता का काम होता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिला करके चलने का काम होता है एक नेता का। और उसका काम होता है क्या कि हम अपने भारत देश का हम विकास देखें। उसका काम होता है क्या कि हम कम से कम अपने संविधान का मर्यादा को समझें। मगर अगर इस तरह से संविधान के मर्यादा को अगर ये लोग अगर आहत पहुंचा रहा है, इस तरह का नेताओं का जो भाषण देने वाले इस तरह का जो भाषण दे रहे हैं और जो इस तरह से किसी जाति बेस पर टिप्पणी करते हैं या फिर जाति बेस पर अगर उकसाते हैं तो ऐसा बेतुका बयान नीतीश जी इस सब बात पर गौर करेंगे और इन पर हमारे स्थानीय नेताओं को खबर पहुंचाना चाहिए। और नीतीश जी हमारे माननीय ये बिल्कुल सरगर्मी तेज करने का बात ही है, क्या कि ये सब बात एक गुंडा मवाली का होता है, एक नेता का नहीं होता है। और गुंडा मवाली का बात अगर कोई कहा है तो उसको गुंडा मवाली ही कहा जाएगा, कोई एक बहुत अच्छा आदमी नहीं कहा जाएगा, बस अच्छा नेता नहीं कहा जाएगा।